नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, दो व्यक्ति अगर प्रेम में हैं, उसमें से एक व्यक्ति की राशि कर्क राशि है और दूसरे की कुंभ राशि है, तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, ऐसे कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से यह जो दोनों राशियां हैं या फिर ये दोनों व्यक्तियां हैं वो किस तरह से आपस में बंधे हुए रह सकते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इनमें दरार आ सकती है, तकरार आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर ऐसी कोई बात हो तो क्या करना चाहिए जिसकी वजह से इनका जो पैचअप फिर से अच्छी तरह से हो जाए, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसमें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, वह राशि अगर प्रेम में हो तो उनका जो प्रेम है किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में चर्चा या फिर इसके बारे में जो वीडियो है वो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि अगर दो राशियां हैं, इसमें से एक की राशि कर्क राशि है और दूसरे की राशि कुंभ राशि है, तो उनका प्रेम किस तरह से आगे बढ़ सकता है, तो उसके लिए हमें इनके जो नेचर है या फिर इनका जो स्वभाव है वह जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो कर्क राशि काल पुरुष की जो पत्रिका है उसमें चतुर्थ भाव में आती है, स्त्री राशि है, इसका जो स्वामी है वह चंद्रमा है, जल तत्व है और यह राशि है, यह राशि चर राशि है। तो इसका जो नेचर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यह राशि बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, मतलब बहुत ज्यादा भावनाशील होती है और इनका जो मूड होता है वह मूड हमेशा चेंज होते रहते हैं, मतलब सुबह एक मूड होगा, दोपहर को एक मूड होगा, शाम को एक मूड होगा और रात को कुछ अलग ही मूड होगा। तो इनका जो मूड होता है वह हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, चेंज होते रहता है, उनके चेहरे से भी आप पता लगा सकते हैं कि इनका मूड अच्छा है या नहीं, तो थोड़े से मूडी किस्म के ये पर्सन होते हैं। दूसरी ज्यादा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो राशि होती है फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच होती है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो 12 राशियां हैं उसमें यह अकेले राशि है जो कि फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच रहती है। जी हाँ, मतलब अगर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फैमिली मेंबर्स में किसी को भी प्रॉब्लम है तो इनका जो चेहरा है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा, ये इनको खुद को ये खुद भी थोड़ा मतलब जो आनंद है वह फिर नॉर्मल इनको नहीं लगेगा। उसी प्रकार फैमिली के सभी लोग अच्छे हैं और इनको कोई प्रॉब्लम है तो भी फैमिली मेंबर अच्छे हैं, इसी बात पर इसी आनंद में यह राशि रहती है, तो इतनी ज्यादा यह जो अकेली राशि है वो फैमिली से अटैच रहती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, फैमिली में भी यह जो राशि है यह राशि अपने माँ से सबसे ज्यादा अटैच रहती है, सबसे ज्यादा मतलब इनका और इनके माँ का जो रिश्ता होता है वो करीबन अज्ञात होता है, मतलब उसे जानने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, माँ के सिर्फ चेहरे को देखकर ही यह जो राशि है वो समझ जाती है कि माँ परेशानी में है या नहीं। और दूसरी बात, माँ के बारे में भी अगर सोचे तो अगर उनकी संतान कोई कर्क राशि की है तो सिर्फ उनके चेहरे पर देख के ही माँ को समझ जाता है, माँ समझ जाती है कि इसको कोई प्रॉब्लम है, इसको कोई कॉम्प्लिकेशंस है। और इनका जो नेचर रहता है, इनका जो म्यूचुअल हार्मोनी होती है वो बहुत ही अलग प्रकार की होती है, और माँ का जो प्रेम है वो भी थोड़ा ज़्यादा इस कर्क राशि को मिल ही जाता है। तो यह बात होती है कर्क राशि की। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो कर्क राशि है बोलने में इनकी कमांड बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा बोलती है, लेकिन इनका बोलने का जो सोर्स होता है या फिर सब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के मामले में होता है और फैमिली के मामले में बहुत ज़्यादा बोलती है। रिलेशनशिप मेंटेन करने में भी यह राशि बहुत अच्छी है, फैमिली के बारे में तो हमने देख ही लिया, फ्रेंड्स के बारे में भी यह रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करती है, उसी प्रकार प्रेम में भी यह राशि अच्छी तरह से फ्रेंडशिप जो है या फिर रिलेशनशिप है अच्छी तरह से मेंटेन करती है। फ्रेंडशिप के बारे में अगर देखा जाए तो इनके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि यह जो राशि है राशि खुद ही ज़्यादा अपने ही फैमिली में रहती है, तो इसीलिए इनके जो फ्रेंड्स होते हैं वह कम होते हैं। फ्रेंड्स के लिए बारे में भी बोलने के लिए इनको एक ही यह पॉइंट रहता है, जैसे कि मैंने कहा फैमिली के बारे में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर खर्च के मामले में देखा जाए, पैसों के मामले में देखा जाए, तो यह राशि थोड़ी सी कंजूसी रहती है, मतलब पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करती, कोई भी चीज़ लेनी हो तो वह यह राशि है वो बहुत सोचेगी, मतलब यह चीज अगर मुझे खरीदी करनी है, कोई वस्तु इन्हें खरीदी करनी है तो यह सोचे कि यह जो वस्तु है वह यह वस्तु हमें लाइफ टाइम के लिए हमें यूज में आने वाली है या नहीं, अगर उन्हें लगता है कि यह वस्तु इनको लाइफ टाइम के लिए यूज में आने वाली है तो ही यह जो राशि है वस्तु खरीदी करेगी, नहीं तो यह राशि वस्तु खरीदी नहीं करेगी। तो थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं, यह बात थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। दूसरी बात, यह जो राशि है यह राशि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है,
अकेली यह राशि है जो कि इमोशनल भी है और हार्ड वर्किंग भी होती है। बाकी की जो राशियां हैं इनमें जो सेग्रीगेशन होते हैं, मतलब वो इमोशनल भी इमोशनल हो सकती है या फिर हार्ड वर्किंग हो सकती है या फिर करियर ओरिएंटेड हो सकती है, या अकेली राशि है जो कि इमोशनल भी है हार्ड वर्किंग भी है। और इनका जो हार्ड वर्क होता है वो कभी बोल के नहीं बताएगी कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ, जो भी बातें हैं, लेकिन इनका डेडिकेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो फैमिली की तरफ ही बहुत ज़्यादा होता है। तो यह बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हार्ड वर्किंग बारे में, वो हार्ड वर्किंग के बारे में ये जो राशि है वो बहुत अच्छी होती है। इनका विजन भी बहुत अच्छा होता है, मतलब अगर इन्होंने कोई विजन सेट कर लिया खुद के लिए तो जब तक उस विजन तक यह राशि नहीं पहुंचती तब तक हमेशा ये काम करती रहेगी और विजनरी होती है, जिसके वजह से लाइफ में करियर में सेटल बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। हालांकि बहुत बड़ी एम्बिशन इनमें नहीं रहती, लेकिन करियर के मामले में इन्हें पता रहता है कि इनका जो मेन ड्राइविंग फोर्स होता है करियर के मामले में वो पैसा कमाना होता है। मतलब किसी तरह से भी हमें कुछ ना कुछ तो इनकम आ जाए, उसके बाद ही यह राशि तैयार होती है, तो वो बात भी अच्छी होती है और सेटल जल्दी होती है, यह राशि स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं करती। तो इसके बाद हम देखेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि जो काल पुरुष की जो पत्रिका होती है उसमें 11वें स्थान में आती है। इसका जो मालिक है, इसका जो स्वामी है वह शनि है, पुरुष राशि है, वायु तत्व इस राशि का है और स्थिर राशि है। कुंभ राशि के बारे में अगर देखा जाए तो सभी राशियां हैं, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी राशियां हैं इसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान यह राशि है। मतलब देखिए कभी कभी भी ये देखिए कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह व्यक्ति हमेशा लॉजिक के ऊपर ध्यान देता है, वह आदमी किसी के ऊपर विश्वास सीधे सीधे नहीं रख पाता। अगर विश्वास भी रखना है तो उसके पीछे वो लॉजिक लगाएगा, मतलब उसके जो खुद के जो अनुभव होते हैं, खुद के जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके आधार पर यह जो व्यक्ति होते हैं या फिर यह जो राशि होती है, यह राशि उसके आधार पर ही मतलब खुद का एक्सपीरियंस लगाएगी, लॉजिक लगाएगी, उसके बाद डिसाइड करेगी कि किसी भी डिसीजन के लिए जाने के लिए पहले तो यह जो राशि है वह राशि मतलब अपने जो लॉजिक है उसके थ्रू जाएगी, क्योंकि यह राशि सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और बुद्धिमान होने के कारण यह राशि डिसिप्लिन्ड है। मतलब ये शनि की राशि है, स्थिर राशि, इसके वजह से यह राशि थोड़ी सी डिसिप्लिन होती है, मतलब कुछ भी काम करना हो तो डिसिप्लिन में ही काम करेगी, कभी भी डिसिप्लिन छोड़ के काम नहीं करेगी। अकेली राशि है कि जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, बोलने में ये राशि थोड़ी कम होती है, ज्यादा बोलेगी नहीं, मतलब अगर कोई किसी भी विषय पर अगर चर्चा हुई हो रही है तो ज्यादा बोलेगी नहीं, मित्र परिवार में भी ज्यादा ये अपना डिसीजन जल्दी से नहीं देगी, बहुत अच्छी तरह से सोचती है और लॉजिकली सोचती है और अपना जो मुद्दा है अपनी जो बात है वो अच्छी तरह से सामने रखेगी, और बात सामने रखने के बाद डिसीजन सामने रखने के बाद वह डिसीजन इन्होंने क्यों लिया है उसके बारे में भी यह अपने चर्चा देगी। मतलब ऐसे नहीं होता कि मुझे कुछ लगा, मुझे ऐसा लगा, या फिर जैसे कि भावनाशील लोग होते हैं कि मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ, लेकिन ये राशि ये जो राशि इसके डिक्शनरी में फील हुआ या फिर ऐसे कोई लगा ऐसी बात कभी नहीं होती। जो भी डिसीजन होते हैं उसके पीछे ये लॉजिक हमेशा बताएगी कि ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है इसी वजह से ये मेरा डिसीजन है, तो इसके बारे में थोड़ी डिसिप्लिन राशि होती है, भावना ही इस राशि में थोड़ी कम होती है। जो भी है वह सीधा सीधा होता है, इनका जो लाइफ होता है वह शेड्यूल्ड होता है। जैसे कि हमने देखा कि कन्या राशि के बारे में भी इनका भी कन्या राशि का भी जो मतलब जो मनस्थिति होती है थोड़ी शेड्यूल्ड होती है, लेकिन थोड़ी बहुत तो भावनाशील होती है, लेकिन यह राशि भावनाशील नहीं होती। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ी सी समाज से थोड़ी आगे सोचने वाली होती है। हालांकि हमने यह भी देखा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भी समाज से थोड़े से आगे सोचते हैं, वही बात होती है इस राशि में, हमेशा थोड़ी आगे की सोचती है। तो फैशन के मामले में भी कभी कभी ये राशि थोड़ी आगे की सोचेगी, लेकिन इनका जो फैशन होता है, इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत ही सोबर होता है, ज़्यादा फ्लैशी ये कभी कपड़े नहीं पहनेंगे या फिर जो भी फैशनेबल जो भी बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा अपने आप में ही रहेंगे। हालांकि इनका इनके जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अच्छी होने के बावजूद ये जो राशि है फैशन ज़्यादा नहीं करती, बहुत सोबर तरीके से रहती है। किसी भी विषय पर जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा सोचना, अच्छी तरह से सोचना इस राशि को बहुत अच्छा लगता है, और कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मतलब सोचने वाले बात होनी चाहिए, यही इस राशि की मेन विशेषताएं हैं। इसी वजह से रिस्क लेना जिसे हम बोलते हैं, यह राशि कभी रिस्क नहीं लेती, क्योंकि रिस्क लेना
ऐसी बात होती है कि वो अज्ञात में जंप करना या फिर अज्ञात में जाना होता है, मतलब हमें पता नहीं चलता कि रिस्क का वो मतलब ही है कि अगर आप रिस्क ले रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। तो यह राशि रिस्क लेने के मामले में थोड़ी सी पीछे है, लेकिन काम करने के बारे में, हार्ड वर्किंग के बारे में बहुत अच्छी होती है। घर पर भी, मतलब करियर के मामले में तो यह राशि अच्छी तरह से आगे जाती ही है, लेकिन घर पर भी यह राशि ऐसी होती है, मतलब जो इनकी जो भी वस्तुएं होती है घर पर वो जहां की तहां रहती है। और दूसरी बात, सामने वाले से भी यह राशि वैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा मैं बिहेव कर रहा हूँ या फिर जैसे मेरी वस्तु वैसे सामने वाले, इनकी जो अगर आप अलमारी वगैरह देखोगे तो भी जैसी मतलब अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन रहती है। तो ऐसी बात होती है कुंभ राशि की, बहुत ही डिसिप्लिन होती है और अपने हमें थोड़ा सा बोलना इस राशि का थोड़ा कम होता है। जी हाँ, और अगर हम कर्क और कुंभ राशि की बात करें तो ये जो दोनों राशियां है, दोनों राशियां षडाष्टक योग में आती है। षडाष्टक का मतलब होता है कि परस्पर ये जो राशि है वह राशियां 6 या फिर 8 स्थान पर आती है, इसी को षडाष्टक कहते हैं। उसके बाद का जो शब्द है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपने सुना भी होगा, जिसे हम मृत्यु षडाष्टक कहते हैं। देखिए, मृत्यु षडाष्टक मतलब असल में मृत्यु नहीं, इसका शब्द है मृत्यु, लेकिन असल में इसका मृत्यु से कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ यही बात है कि यह जो इनकी जो स्वभाव है, इनकी जो नेचर है, जैसे मैंने अभी कहा, आपने कर्क राशि का भी नेचर सुना है या फिर कुंभ राशि का भी नेचर सुना है, तो इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा परस्पर विरोधी होता है। जी हाँ, इनका जो नेचर होता है थोड़ा विरोधी, इसलिए इनका इनके नेचर में कई ऐसे पॉइंट्स है वो ऐसे मिलते नहीं। बाकी के भी हमने राशियां अब तक देखी तो इनके कई जो बातें होती है मिलती है, लेकिन इस राशि से ज्यादा करके बात नहीं मिलती। लेकिन अगर किसी वजह से इस राशि में अगर प्रेम हो जाए तो क्या होगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि कर्क राशि को बहुत ज्यादा बोलना आता है, इस राशि को बोलना थोड़ा कम आता है। कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी फील्ड के बारे में बहुत इनडेप्थ सोचते हैं, कर्क राशि के बारे में वो बात ज्यादा नहीं होती। कर्क राशि बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, कुंभ राशि इतनी इमोशनल नहीं होती। कर्क राशि फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच या रिलेट रहती है, कुंभ राशि फैमिली से इतने करीबन अटैच नहीं रहती। मतलब जहां के तहां हर एक व्यक्ति को कितना महत्व देना चाहिए इसके बारे में इनके मेजरमेंट, इनके मापदंड वैसे ही होते हैं। तो ज्यादा ये राशि है मतलब बहकावे में नहीं आती, इमोशंस में नहीं आती, इसलिए ज्यादा फंसती नहीं, इनको ज्यादा चीट करना इतना आसान नहीं होता, वही बात होती है। हालांकि एक बार इन्होंने विश्वास रख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लॉजिक इस राशि में बहुत ज्यादा होते हैं, यह बात होती है कुंभ राशि के। तो लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिसमें से ये खुद को मतलब जो भी नेगेटिव बातें हैं, जैसे कि जो कर्क राशि है वह इमोशनल होती है या फिर ट्रस्ट वर्दी होती है, सामने वाले पर विश्वास रखती है, यह बात कन्या मतलब कुंभ राशि को अच्छी तरह से भा जाती है। या फिर कुंभ राशि के बारे में देखा जाए तो वो करियर ओरिएंटेड रहती है, बहुत अच्छी तरह उनका नेचर भी डिसिप्लिन होता है, यह बात कर्क राशि को बहुत अच्छी लग सकती है। कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मली दिखने में अच्छे होते हैं और यह बात कुंभ राशि को अच्छी लग सकती है, इसकी वजह से इनका प्रेम मतलब आगे बढ़ सकता है। हालांकि कर्क राशि की एक जो बात है जो कि हमेशा वो कमिटमेंट मांगती है, मतलब जैसे ये प्रेम भावना में आती है तो जल्दी से मतलब बाकी राशियों की तुलना में ये राशि जल्दी से कमिटमेंट मांगती है शादी की, जो कि इनका जो नेचर ही वैसा है कि यह जो राशि हमेशा फैमिली में घुल मिलना बहुत पसंद करती है, तो जल्दी से कमिटमेंट मांगती है और कुंभ राशि कमिटमेंट जल्दी नहीं देती, क्योंकि उनका यही है कि पहले वो देखेगी, समझेगी, परखेगी, उसके बाद ही लॉजिक लगाएगी अपने तरीके से, उसके बाद ही वो कमिटमेंट दे सकती है। यह बात होती है, यह बात मतलब कर्क राशि को कुंभ राशि को नहीं जचती जो कि कमिटमेंट वाली बात है। दूसरी बात, कुंभ राशि थोड़ी बहुत एरोगेंट हो सकती है, जैसे मैंने कहा ये डिसिप्लिन होती है तो थोड़ा बहुत एरोगेंट हो सकती है, और कोई बात अगर कर्क राशि के घर वाले के बारे में कुंभ राशि ने कह दी फिर इनके जो रिलेशनशिप है इनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो क्या किया जाए, अगर कर्क राशि रूठ जाए तो घर वाले के मामले में कुछ ना कुछ अगर अच्छी बातें की या फिर उनके लिए कुछ ना कुछ आपने प्रेजेंट दिया कुंभ राशि ने तो वो बात हो सकती है। अगर कुंभ राशि रूठ जाए तो सबसे इजीएस्ट वे माफी मांग लो, जो कि कर्क राशि का सबसे अच्छा हथियार है, और कर्क राशि को रोना भी थोड़ा जल्दी आ जाता है। जी हाँ,
तो अगर माफी मांग ले तो कुंभ राशि तैयार हो जाती है। अगर इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो राशियां, ये राशियां सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। बाकी के जो 11 ग्रह होते हैं वो 11 ग्रह भी अपने अपने तरीके से कुंडली के ऊपर अपने जो परिणाम है वो देते रहते हैं। तो उसके लिए कुंडली के बारे में अगर देखा जाए तो उसके जो भी अभी आपके रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस या अभी दरार आई है उसके बारे में कुछ ना कुछ तो कहा जा सकता है, उसके बारे में हल निकल के आ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये चर्चा कैसे लगी, आपको ये वीडियो कैसे लगा, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।